हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक हम लोग आप लोग का एक मार्केट में कन्फ्यूज़न हुआ, इतनी मार्केटिंग हो रही है हर कंट्रीज़ के लिए कि बच्चे उन कंट्रीज़ में कन्फ्यूज़न है कि कौन सी कंट्री सही होगी उनके लिए MBBS के लिए। और मेन कन्फ्यूज़न जो मार्केट में 6 ईयर प्रोग्राम वाली कंट्रीज़ हैं, 6 साल में MBBS करा रही हैं, उसमें मेजर कन्फ्यूज़न आ रहा अर्मीनिया, जॉर्जिया, बेलारूस और यूक्रेन में। तो बच्चे पूछ रहे सर, इसमें से सबसे अच्छा क्या है और इसको सही और अच्छा बताने का क्या पैमाना हो सकता है या किस तरह से हम कहें कि ये कंट्री अच्छी है। तो देखिए, हम यहाँ पे पहली बात तो किसी की बुराई नहीं करेंगे, सारी कंट्रीज़ अच्छी हैं, सबकी पढ़ाई ठीक है, बट अगर हमें एज आ अपना ओपिनियन देना है, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ और हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस अपना खुद का भी है, डॉक्टर मैं सब जगह विजिट करता रहता हूँ, तो उस एक्सपीरियंस को मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ जो जो आपकी शायद मदद करे कि आपके लिए कंट्री कौन सी बेहतर हो सकती है। देखिए, ये सारी कंट्री चाहे अर्मीनिया, जॉर्जिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सारी USSR से टूटी थी 1992 में, और इसमें से ये सारे यूरोप है, और यूरोप में कन्फ्यूज़न आपको दूर कर देंगे। एक यूरोप है यूरोपियन यूनियन, EU बोलते हैं जिसको, जिसमें कि लैटविया, पोलैंड, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं, और non-EU हैं। non-EU में ये कंट्री हैं जो हैं तो यूरोप में, बट ये टूटी थी USSR से 92 में, तो अभी क्या ये बाउंड्री शेयर करती हैं EU कंट्री से। तो अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोचें तो अर्मीनिया, क्योंकि अभी एक बहुत नया है यूनिवर्सिटी मार्केट में और बहुत ज़्यादा ऐसे पास आउट मार्केट में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आप रिव्यूज़ अर्मीनिया से बच्चे कम ही मिल पाते हैं कि कैसा है। एक छोटी सी कंट्री है और डेवलपमेंट के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में कम है, और ठीक है हम उसको कह सकते हैं एवरेज आपको कर सकते हैं, अर्मीनिया के लिस्ट में हो सकता है। अर्मीनिया के बाद आपका ऑप्शन आता है यूक्रेन में, तो यूक्रेन में अगर हम लोग सेफ्टी इंडेक्स देखते हैं तो यूक्रेन ठीक है, लेकिन अगर सेफ्टी वाइज हम देखेंगे तो बेलारूस काफ़ी सेफ है। और जॉर्जिया में इशू, वैसे तो तबिलिसी उसकी कैपिटल है, जॉर्जिया में एक आध दो इंसिडेंट लास्ट ईयर हो गए थे, काफ़ी बच्चे डिपोर्ट हो गए थे और इंडियंस के, तो वो थोड़ा सा जो डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के साथ हुआ वो हमें कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगा, जो भी फ्रैंकली उसके मेरे बच्चे बहुत जाते थे जॉर्जिया, शायद उसके वास्ते मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं फेवर में हूँ। एक दूसरा, जॉर्जिया की आज भी वीज़ा पॉलिसी बहुत ख़राब है, मतलब कोई भी आपको कंसल्टेंट हो या कोई आपको कमिट नहीं कर सकता कि आपका वीज़ा कितनी जल्दी आएगा, इट टेक लॉट ऑफ टाइम, 30 डेज 40-45 डेज, तो वीज़ा का भी उनका पॉलिसी थोड़ा सा नहीं रहता है। और जॉर्जिया में जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ट्बिलिसी से दूर हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें लोगों ने खूब मार्केटिंग करके बच्चे भेजे हुए हैं, बच्चे परेशान हैं वहाँ पर। और अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ये सारे में से, बेलारूस में एक एच ये तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और हम लोग इसमें BSME को हमेशा कहते हैं मेरी चॉइस है क्योंकि ये कैपिटल में है। इन सब में जितना मुझे पता है, शायद बेलारूसी एक ऐसी जहाँ पे आपको डेड बॉडी मिलती है, आपको ओरिजिनल बॉडी पे पढ़ाई की कराई जाती है, बाकी सब में आपको डेड बॉडी नहीं मिलती है, डमी पे पढ़ाते हैं, ये मेडिकल के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग देखिए, रेटिंग देखिए, तो बेलारूस वर्ल्ड का 10वें सबसे सेफ कंट्री, क्राइम ही नहीं है जहाँ पे, क्राइम फ्री कंट्री है, तो क्योंकि सेफ्टी एक हमारे लिए बहुत बड़ा है इशू, और बच्चों का सबसे पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि हमारा बच्चा जहाँ जाए वहाँ सेफ रहे, तो देखिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसको एकदम चुन सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी वर्ल्ड रैंकिंग में ये 10वें नंबर सबसे सेफ कंट्री, तो फिर इसका कंपेरिजन ऐसे ही हट गया। दूसरा, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अराउंड 100 ईयर ओल्ड है, और इसके बाद क्योंकि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर इनका सबसे अच्छा है, जो बेस्ट पार्ट है कि फर्स्ट ईयर से ही क्लिनिक शुरू हो जा रही हैं इसमें, ये इनका एक और बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादातर कंट्री सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अपनी क्लिनिक शुरू करते हैं, तो आपको पेशेंट से इंटरेक्शन, आपको वर्क कल्चर में आप मोल्ड हो जाते हैं। और 2000 से बहुत लोग हैं पास आउट आके इंडिया में वापस आ चुके हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अच्छा रिकॉर्ड है अगर हम MCI क्लियरेंस का देखेंगे, क्योंकि UK पैटर्न ये लोग फॉलो करते हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेड पैटर्न है। और सेफ्टी सिक्योरिटी के अलावा जो एक चीज़ मैं आपको और बहुत अलग बताऊंगा, जो 101% में यहाँ पे डिफर कर जाऊंगा सभी कंट्री से, कि यहाँ पे जो हॉस्टल जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है BSME, उसमें एक कमरे में 2 ही बच्चे हैं, 2 मतलब 2, वो 3 और 4 नहीं होंगे, ये मेरे हिसाब से तो एक अपना फैक्टर है, बच्चे और जगह जाते हैं, बंकर सिस्टम, 1, 2 ऊपर 2 नीचे, 1 कमरे 4, 6, 8, 10, बहुत मुश्किल है, पढ़ाई नहीं हो पाती, कोई प्राइवेसी नहीं है।
इसीलिए फिर उसे आपको वॉशरूम शेयर करना पड़ेगा, ये भी एक फैक्टर है। और कंट्रीज में क्या है, बच्चे फर्स्ट ईयर तो गवर्नमेंट हॉस्टल में या मालिक जो भी उनको मिले हॉस्टल वो रह लेते हैं, सेकेंड ईयर से वो फ्लैट कल्चर, बाहर फ्लैट लेके रह रहे हैं 5 लड़के 6 लड़के पे, पढ़ाई नहीं होती है बहुत, पढ़ते हैं ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बेलारूस में 6 साल मतलब हॉस्टल में कोई चांस ही नहीं बाहर जाने का, तो ये भी एक अपने आप में मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे जो जाने जाता है 17, 18, 19 साल के हैं, हम लोग इंडिया में एक कंजर्वेटिव माहौल से एकदम से ओपन कल्चर में जाते हैं, और जहाँ सब चीज़ खुला है आप एकदम से कंट्रोल, तो वो एक बच्चों पे कंट्रोल होना चाहिए। मेरे ख्याल से BSMU इस मामले में भी बहुत अच्छा है कि कंट्रोल उनका ठीक है, क्योंकि आप हॉस्टल में ही रहेंगे, हॉस्टल का अपने रूल रेगुलेशन है वो जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, हाइजीन आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्लास टाइमली करनी पड़ेगी, क्योंकि 85% से कम अटेंडेंस वो आपको बैठने ही नहीं देंगे, इसमें आपकी कोई नहीं मदद कर पाएगा, आपकी बैक लगेगी फिर आप परेशान होंगे। और इस बार तो एक बहुत अच्छा करेंगे शायद, वो एक ऐप भी दे रहे हैं पेरेंट्स को जिसमें आप बच्चे की अटेंडेंस पेरेंट्स रोज़ देख सकते हैं, रोज़ उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं एग्जाम्स जो हो रहे हैं, क्योंकि हर हफ्ते एग्जाम होते हैं। तो बेलारूस एक शायद मेरी नॉलेज में पहली ऐसी कंट्री है कि अगर आप 90% के ऊपर ला रहे हैं हर सेमेस्टर में, तो आपकी फ़ीस वेव ऑफ कर दी जाती है उस सेमेस्टर की, ये इसलिए कि आपको इनकरेज कर रहे हैं आप पढ़िए। तो ये यूनिवर्सिटी मेन पढ़ाने के लिए बनी है, अगर जो मेन रॉ पढ़ाई के लिए सोच के जा रहा है और सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू उसका है, हॉस्पिटल अच्छा चाह रहा है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा से बोलता है कि सर वहाँ की तो पॉपुलेशन बहुत कम है, हमें पेशेंट कैसे मिलेगा। आप सही हैं, बट जैसे अगर हम बेलारूस में बात करें, BSMU की बात करें, मिंस कैपिटल बात करें, तो वहाँ पर वही एक हॉस्पिटल है, पूरी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं उस तरह से, तो जितने भी लोग हैं उनको वहीं आना है और उनका सब इंश्योर्ड है, लोकल सिटीजन का उनके लिए सब फ्री है, तो आपको एक्सेस मिलता है काम करने का। और अपार्ट फ्रॉम कमिंग बैक टू इंडिया, मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं जिसमें आपको मैंने बताया था कि आप US, UK और जर्मनी उनके रिलेटिव एग्जाम निकले प्लान कर सकते हैं, US में और इवन यूरोप में। हाँ, और एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो मैंने कहा, non-EU है, non-EU से क्या होता है कि आपको लगता है, लेकिन इन्होंने 2015 में एक बोलोना ट्रीटी साइन की थी, बोलोना ट्रीटी EU से साइन की है, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के बराबर इनका एजुकेशन है। इसीलिए अगर कुछ हमने वर्ल्ड रैंकिंग भी चेक की BSMU की, तो 748 है, तो वर्ल्ड रैंकिंग इनकी बहुत अच्छी, गवर्नमेंट है, हॉस्टल प्रॉपर है, इंडियन मेस हम लोग ने इस बार से एकदम चालू हो गया वहाँ पे, तो आपको इंडियन कुजीन इंडियन खाना मिल रहा है, और मेरे हिसाब से कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जिसमें आपको हम कहें कि इसमें कम है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी इश्यूज़ हमारे बहुत नॉलेज में आते हैं कि बच्चों ने पैसे दिए यूनिवर्सिटीज़ में और पैसे यूनिवर्सिटी तक पहुंचे नहीं, ये यूक्रेन में कुछ इश्यूज़ आए थे और कुछ कंट्री में आते, मैं सबका नाम नहीं लेंगा, लेकिन ये ऐसे BSMU में थंब रूल है, थंब रूल फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, खाने की फीस, बच्चा अपने अकाउंट से यूनिवर्सिटी में देता है बाय द टाइम ही रीचेज, जब वो पहुंच जाएगा उसे 3 से 4 दिन में पैसा डालेगा, वो भी फर्स्ट 6 मंथ का, बाकी 6 महीने का वो 6 महीने बाद डालेगा। तो इजी टू पे, आपको 6 मंथली पे करना है, एक साथ घर से पैसे लाखों निकाल के नहीं देने, और कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई एजेंट सिस्टम नहीं है कि आपको देना है। बहुत लोग कहते हैं सर मैं बेलारूस सुना ही नहीं है बहुत लोगों के मुँह से कोई, क्योंकि बेलारूस ने एक बहुत अच्छा कि बहुत लिमिटेड सीट्स इंडियंस को दिए, बहुत लिमिटेड लोगों को दिया है मार्केटिंग के लिए, बहुत लिमिटेड लोग काम कर रहे हैं इसके लिए, इसलिए ज़्यादातर लोग या तो आपको डिस्करेज कर रहे हैं मत जाओ खराब है, या तो उनके पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो दे हैव नो ऑप्शन, इट्स एक्चुअली एवरीवन इज डूइंग बिजनेस। तो आपको इसलिए कंट्री का, और जितनी चीज़ मैं भी कहूँ आप भी उसको गूगल करिए, आप मेरे पे 100% मत बिलीव करिए, मैं अपनी राय रख रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस राय रख रहा हूँ, तो मैं इसमें और भी आपको अपडेट्स करता रहूँगा विद द टाइम। थैंक यू, बाय।